किती लागली? गुड मॉर्निंग गाइस, थोड़ा मैं आपको नींद में दिख रहा हूँगा क्योंकि सुबह के 6:50 पर हो रहे, तो आज मैं मेरे दोस्त के साथ फ़िश लेने जा रहा हूँ। अगर आपको फ़िश सस्ते दाम में लेना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ता है, क्योंकि आप बाद में जाता हो तो रेट भी हाई हो जाता है। बॉम्बे में आपको कहीं पर भी फ़िश लेना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग एक्चुअली 6:30 निकलने का प्लान था, बट थोड़ा लेट हो गया तो 6:54 को अभी निकल रहे हैं। बॉम्बे में मेरे को 3 जगह पता है जहाँ पे फ़िश मिलता है सस्ते दाम में। एक है ससुन डॉग जो कोलाबा में है, दूसरा मलाड़ मार्केट और तीसरा वर्सोवा मार्केट। तो आज हम लोग अंधेरी में वर्सोवा मार्केट में जाने वाले हैं। आपको अगर वर्सोवा मार्केट आना हो तो अंधेरी वेस्ट उतर के आपको ऑटो करना पड़ेगा और ऑटो का कॉस्ट अराउंड 40-50 रुपीज़, और मेट्रो से भी नियर है। अब मेट्रो से आपको अंधेरी मेट्रो स्टेशन से वर्सोवा मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन के वजह से मेट्रो बंद है तो मेट्रो तो चालू नहीं है, तो आपको ऑटो से ही आना पड़ेगा। जब भी मेट्रो आगे चालू होगी तो आप मेट्रो से भी जा सकते हो, और वर्सोवा मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से आपको वापस ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा दूर है, अंदर गाँव में जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वर्सोवा मार्केट जाने वाले हैं। वर्सोवा मार्केट में हम लोग को कुछ कम रेट में नहीं मिला या अच्छे प्राइस में नहीं मिला तो हम लोग मलाड़ मार्केट जाने वाले, तो चलिए अभी निकलते। तो ये है मेरा दोस्त, इसको फ़िश लेना है। हाय कर मेरे सब्सक्राइबर को। तो सोच रहा हूँ कि उसके साथ थोड़ा मैं भी मार्केटिंग कर लूँ और मैं भी देख लूँ फ़िश, क्योंकि फ़िश खाना किसको पसंद नहीं है। तो चलिए अभी निकलते। जो भी सेल करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज रहती है, तो पता नहीं वहाँ पे शूट करने देंगे कि नहीं। तो चलिए अभी निकलते, ये भी आ गया है और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए वापस बाइक स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने अभी पीछे जो देखे जो भी सीन, तो ये है वर्सोवा गांव। और अगर आपको यहाँ से मढ़ जाना होगा तो यहाँ से भी आप जा सकते हो मढ़ जेट्टी पकड़ के या वर्सोवा गांव से, और आप मलाड़ मारवे रोड से भी जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ लोग अगर अंधेरी वेस्ट में आना चाहते हैं तो यहाँ से आते हैं, और मलाड़ से जो भी जाना चाहते हैं वो लोग मलाड़ मारवे रोड से जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो काम के लिए आए वो काम के लिए निकलते हैं। चलिए देखते हैं कि फ़िश मिलता है कि नहीं हम लोग को, और मेन बात है कि वहाँ पे शूट करने मिलता है कि नहीं। तो चलिए
हाल है रे? कसा दिला वाटा? ये 600 ला। 600 ला एक वाटा? पाचशे देता चल। मग काय देते? आईला 500 ला। शूटिंग करते? हाँ, यूट्यूब वीडियो है। इधर तो मार्केट दाखो। आई बोल दे बोल। तांबा तांबा। पन्नास ला वाट। कितीला दिली? 400 बोलू 350 बोनी कराय। 350 बोलत आहे बघू आपण। 250 रुपयाला तो शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो मैंने लिया क्रैब, प्रॉन्स, पापलेट और बोमबिल। तो ओवरऑल मुझे 1000 रुपीज़ में सब मिला। और ये भाई साहब ने 550 में पापलेट लिया, कोलबी ली और बोमबिल लिया। तो चलिए अभी घर पे निकलते हैं और आज फ्राइडे है, फिश के ऊपर ताव मार के खा लेते। आज जश्न की रात है, आज जश्न मनाते। तो चलिए निकलते। हजारचा बजेट पकडू आलेला पण तुझं 550 मध्ये झालं। हां, माझं खेकड्यामुळे एक्स्ट्रा गेले। तर खेकडा खातो की नाही तू? खातो पण आता एवढं नाही खात पहिले। खेकडा आमच्या वहिनींना आवडतो ना, वहिनी आणि नीलला म्हणून घेतला। तो आप जो ये देख रहे हो फ्रॉन्स, ये पूरा फ्रॉन्स मुझे मिला 250 रुपीज़ में। और ये जो क्रैब देख रहे हो आप, ये देखिए, देखो चल रहे। ये क्रैब मुझे मिले 400 रुपीज़ में 8 पीसेस। और ये पॉम्पलेट, ये भी मुझे 250 रुपीज़ में मिला, 250 रुपीज़ में 7 पीसेस। और यहाँ पे आप बोमबिल देख रहे हो, ये 50 रुपीज़ में मिला। ये देखिए क्रैब, नीचे देखिए, देखिए कैसे चल रहा है। उसके पैर निकाल दिए अभी, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। तो आप ऐसे अभी हाथ में ले सकते हो। दूसरा बन काटा ना डेंगा? नहीं काटला है ऐसा? नहीं नहीं, तेजा नहीं, ऐसा नहीं तोड़ला। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये निकालने के बाद कोई डर नहीं है, बट ये अगर नहीं निकाला तो ये काट सकता है आपका, उंगली भी तोड़ सकता है। तो आप देख सकते हो क्रैब बन गए हैं, मेरे मॉम ने बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो ये है महाराष्ट्रीयन घर का खाना, भाकरी, राइस, पॉम्पलेट और क्रैब। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मुझे फ़िश कितने सस्ते दाम में मिली, तो आपको भी वहाँ पे जाना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्सोवा मार्केट का डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। होप सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अपनी फैमिली और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचाना और वीडियो को सब्सक्राइब करने बोलना। तो यहाँ पर वीडियो में एंड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय।